नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आश्रय सरमाल। बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करेंगे, लेकिन बताते चले कि विधानसभा का सत्र आज पहले दिन ही शुरू हुआ लेकिन हंगामेदार रहा और उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान देखने को मिला, जहां पर आज आप देखिए प्रस्ताव किस तरह से लाया गया था। उमर अब्दुल्ला का जिस तरह से बड़ा बयान सामने आया, जिन्होंने कहा कि आज यहाँ प्रस्ताव जो लाया गया है इसका कोई महत्व नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कैमरों के लिए किया गया है और अगर इसके पीछे कोई उद्देश्य होता तो हमसे इस बारे में पहले चर्चा करना जरूरी था, लेकिन इससे पहले पीडीपी पार्टी ने 370 को लेकर प्रस्ताव पेश कर दिया। जम्मू कश्मीर की असेंबली का ये पहला सत्र आज हंगामेदार रहा और जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखिए अब हलचल किस तरह से तेज हो गई है। पीडीपी पार्टी की तरफ से 370 पर ये प्रस्ताव पेश किया गया है और पीडीपी के तीनों एमएलए ने यहाँ पर ये प्रस्ताव पेश किया है। बीजेपी के विधायकों में इसको लेकर काफी आक्रोश देखा गया और 370 पर प्रस्ताव पेश करने पर लगातार हंगामा आज विधानसभा सत्र के अंदर नजर आया। जैसे आपने देखा कि कुछ यहाँ पर लोग हैं वो बेल तक भी पहुंचे, लेकिन ये पूरा हंगामेदार सत्र जब शुरू हुआ है तो किस तरह से वॉकआउट करते भी नजर आए। यानी कि जहां पर नजर टिकी हुई थी कि विधानसभा का सत्र पहले दिन शुरू होगा 4 नवंबर यानी कि आज उसकी शुरुआत हुई है, उसके साथ साथ जिस तरह से हंगामा देखने को मिला ये बड़ी बात थी, लेकिन उसके साथ ही सबसे बड़ा प्रस्ताव को मद्देनजर रखते हुए 370 का जो यहाँ पर रेजोल्यूशन रख दिया गया ये सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात थी कि आज पहले सत्र के पहले दिन ही यहाँ पर जिस तरह से रेजोल्यूशन लाया गया, लेकिन उसके साथ साथ उमर अब्दुल्ला ने जिस तरह से बयान दे दिया तो आप देखिए किस तरह से आज पूरा घमासान जम्मू कश्मीर के अंदर मच गया है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला की तरफ से कुछ बातें सामने रखी गई। उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ कैमरा को दिखाने के लिए इस तरह से ये हरकतें करी गई है और आज अगर इसका प्रस्ताव को लाया गया है तो इसका कोई महत्व नहीं है, अगर इसके पीछे कोई उद्देश्य होता तो हमसे पहले बातचीत करने की जरूरत थी, उसके बाद इसको लाया जा सकता था, लेकिन अब यहाँ पर भी कोई महत्व नहीं रखता है। तो चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। डॉक्टर सुखेंद्र सिंह है हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। नजमुल साकिब है हमारे साथ पीडीपी पार्टी से, आपका भी स्वागत। प्रमोद कपाही जी हमारे साथ है बीजेपी पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं सुखेंद्र जी आप ही के पास आऊंगी, पीडीपी की तरफ से जिस तरह से आज रेजोल्यूशन लाया गया और उमर अब्दुल्ला की तरफ से जिस तरह से बयान जारी किया गया, सबसे पहले आपके तमाम पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। ये पीडीपी के प्रवक्ता को ले आइए थी। फर्स्ट डे था हमारी असेंबली का जम्मू कश्मीर का जो आज स्टार्ट हुआ है, तो इसमें बड़ा पीसफुली मुझे लगता था कि आज पीसफुली रहेगा, इसमें हर किसी को मौका दिया जाएगा बोलने का और ऐसा होना भी चाहिए था। हमें 10 सालों के बाद एक ऐसी सरकार मिली है जो जम्मू कश्मीर के लिए जो काम करना चाहती है और जम्मू कश्मीर के लिए काम कर रही है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला जी ने बड़ा क्लियरली कहा कि ये लोग जो आज इतना बड़ा ड्रामा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन लोगों की वजह से हमारे जम्मू कश्मीर का 370 जो है वो हटाया गया है और कहीं ना कहीं ये लोग आज जो इस वक्त इन्होंने जो हरकत की है, मुझे लगता है कि इनको पहले खुद सोचना चाहिए था। उस वक्त इन्होंने बीजेपी की सरकार मिलकर बनाई और उस वक्त जम्मू कश्मीर के जो हालात बने और उस वक्त ये 370 हटाने के लिए इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा है जम्मू कश्मीर में, तो कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला जी ने कहा कि हम वो लोग हैं जो काम करते हैं, ना कि हम कैमरा के सामने फोटो खिंचवाने के लिए आ जाएंगे, हम लोग ग्राउंड की बात करेंगे। हमने थ्री सेवेंटी के ऊपर भी हम काम करेंगे, वहाँ हमारा काम एक संवैधानिक तरीके से होगा, हमें फोटोग्राफी के लिए या कैमरा के सामने आने के लिए मजबूत जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं फोटोग्राफी करने के लिए ही ये सारा काम किया गया पीडीपी पार्टी की तरफ से। फोटोग्राफी तो अभी दिल्ली में हुई थी, जब भी होम मिनिस्टर साहब से मिले, जब भी प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले, डिफेंस मिनिस्टर साहब से मिले, उस एमपी से मिले जो मुसलमान को कठवा बोलता है, जो मुसलमानों को बोलता है कि इनको जो है हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं है, उनको जो ये शॉल पहना रहे हैं, उनको ये मालाएं पहना रहे हैं, ये धोखेबाज कौम है। इन्होंने 47 में जम्मू कश्मीर के लोगों को, जब 1.5 लाख मुसलमानों का कत्लेआम जम्मू में हुआ, ये वो जमात है खून से रंगी हुई है, इसीलिए इस तंजीम का जो निशान भी खून से है। 1.5 लाख जब मुसलमानों को काटा गया जम्मू में, तब ये खामोश रहे, उसके बाद तब भी उनका पेट नहीं भरा। फिर जब 87 में जहां पे इन्होंने रिगिंग करी, 1.5 लाख से 2 लाख नौजवान आज कब्रों में है जम्मू कश्मीर की,
उसकी वजूहत ही नेशनल कॉन्फ्रेंस है। इन्होंने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को गन उठाने पे मजबूर कर दिया और आज ये हमें बोल रहे हैं, यहाँ हमें बोल रहे हैं कि जनाब ये जो है कैमरा के लिए कर रहे हैं। अरे हमें पता है अगर हम आपके कारतूत गिनवाने बैठे तो हम थक जाएंगे। इतने काले कारतूत आपने किए हैं। अफजल गुरु को फांसी कैमरा के लिए नहीं दी थी आपने। आपने जनाब जब यहाँ पे मकबूल भट्ट को जो है सूली चढ़ा दिया था, उसको आपने कैमरा के लिए नहीं चढ़वाया था। आपने जो जो काले करतूत किए हैं, कितने गिनवाऊं मैं, TSA, इख्वान, टास्क फोर्स, कितनी चीजें गिनवाऊं मैं। अरे मैं तो थक जाऊंगा और आप आज हमें बोल रहे हैं कि कैमरा के लिए। अरे जनाब आपने तो कश्मीर के लोगों को खुलेआम ये कहा था, जिससे वोट मांगा पहला हमारा जो है वो 370 पे रेजोल्यूशन होगा। हमेशा से नॉर्थ पोल रहने वाली पार्टी, शर्म आनी चाहिए आप स्टेट रूट पे रेजोल्यूशन लाई। मुझे लगता है कि पीडीपी के जो प्रवक्ता है, मुझे लगता है कि भगवत करके नहीं आए। मैं उनको महबूबा जी का एक बयान जरूर याद करवा दूं, जब उन्होंने कहा था कि वो बच्चे का टॉफी लेने के लिए जैसे जब जिनको गोलीबारी हुई थी। ये वही लोग हैं जो कैमरे के सामने कुछ और जमीन हदीसे में इनकी कुछ रियलिटी है। इनको वो वक्त याद नहीं है जब जम्मू कश्मीर में उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। इनको ये नहीं पता था कि बीजेपी की क्या पॉलिसीज रही है। ये आज हमें ये कह रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक स्टैंड है, जो स्टैंड पे वो खड़े हैं आज भी खड़े हैं। जनाब कतर के लिए भी लड़ेंगे, 37 के लिए भी लड़े। मैं आप एक बार आप सुन लीजिए मेरे भैया, आप अगर ऐसी बातें करके अगर किसी के व्यूज लेना चाहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो मैं समझ क्लियर नहीं कर सकूँ। बीजेपी सरकार के साथ आपने गवर्नमेंट बनाई, जम्मू कश्मीर का 37 से आपने साथ होकर रखवाया। आज अगर आप चीजें करके अगर कश्मीर के लोगों को अपनी वोट कर अपने आप को लोगों में इस वक्त जवाब दे आपके पास। आप वोट पड़ चुके हैं, आपको कश्मीर के लोगों ने आपकी असली जो जमीन है वो 30 सीटों के ऊपर बता दी है। जवाब दीजिए कि जमीन तो कश्मीर के लोगों ने आपको दिखा दी और फैसला भी सुना दिया 370 जाने के बाद जो मैंडेट आप लोगों को मिला। भाई शायद नए हैं, बीजेपी को तो 47 में आपने लाया। आपने ये तो उसकी पैदावार है, ये सारी चीजें जम्मू कश्मीर के लोगों को मुसीबत में आपने लगाया। अगर आपने एक्सटेंशन किया था तो प्लेबिसाइट क्यों मांगे? जब शेख साहब को जेल भरा था तो प्लेबिसाइट क्यों मांगा? अगर फाइनल था तो फिर उसके बाद लोगों के जहन में कंफ्यूजन क्यों पैदा किया? 87 में फिर लोगों को क्यों मरवाया? 96 में फिर इख्वान को क्यों खड़ा किया? आप लोगों ने जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ हमेशा दोगलापन किया है। एक दिन में फारूक साहब एक साइड से ये कह रहे हैं कि ये जो है मिलिटेंट जो है ये एजेंसी करवा रही है ये अटैक, फिर शाम को जाते हैं बोलते हैं कि नहीं जनाब ये दहशतगर्द है। अरे जनाब आप तो खुद बताइए, आप बाप बेटों में जो है उनकी स्टेटमेंट मैच नहीं कर रहे हैं। कोई बोल एक चीज बोल रहा है, कोई दूसरी चीज बोल रहा है, आप तो खुद कंफ्यूज है। हमें क्या कंफ्यूजन? जम्मू कश्मीर की आवाम से सिर्फ आपसे एक चीज आप जम्मू कश्मीर में फर्स्ट ऑर्डर बिजनेस में 370 पे रेजोल्यूशन लाए, आपने स्टेटहुड पे रेजोल्यूशन लाई, आपने गद्दारी की लोगों के मैंडेट के साथ, लोगों के वोट के साथ, और उसके अलावा प्रमोद जी ठीक है नजमू वापस लौट रही हूँ आपके पास। प्रमोद जी 370 को लेकर आज के विधानसभा सत्र के अंदर हुआ पीडीपी पार्टी की तरफ से प्रस्ताव पेश किया गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी कह रही है कि ये कोई महत्व नहीं रखता है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को भी अपना स्टैंड क्लियर करना बहुत जरूरी है। क्या आने वाले समय में वाकई में वो इस पर लड़ना चाहती है? और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि गगन उद्योग खाने की जरूरत नहीं है, मलबे तक को गाड़ दिया गया है। उसके बावजूद भी विधानसभा सत्र के अंदर सबसे पहले मुद्दा ही यही उठता है आज। सबसे पहला मेरा नमस्कार सबको, मेरे सब भाई बैठे हैं। मैं सीधी सीधी एक बात कहता हूँ इनसे कि 3 सीटें पीडीपी के पास आई है सारी, कश्मीर ने भी उनको नकारा, जम्मू ने भी नकारा। आज जो बात करते हैं मुझे 370-3300 की बात उमर अब्दुल्ला साहब को मालूम है कि ये वापस आने वाली चीज नहीं है, उनको समझ है, इसलिए उन्होंने ये बात कही कि इसको मत उछालिए, ये मीडिया में मत उछालने की कोशिश करिए, ये किसी कीमत पे वापस नहीं आएगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो वहां नेता बैठे थे, हमारे MLA बैठे थे, उन्हें स्पष्ट कर दिया गया है कि ये वापस आने वाला नहीं है, ना 370 वापस आएगा, ना 3300 वापस आएगा। इसमें चाहे PDP हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे और कोई पार्टी हो, जितना मर्जी जोर लगा ले,
ये वापस आने वाले नहीं, लेकिन ये अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए अगर ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो अलग बात है। और उमर अब्दुल्ला साहब को ये मालूम है, फारूक साहब को ये मालूम है कि ये वापस आने वाली चीज नहीं है, इसीलिए वो इससे कोई रियायत नहीं करना चाहते, वो इसको कहीं कोई मुद्दा बना के आगे नहीं आना चाहते। पीडीपी अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए, क्योंकि महज 3 सीटें उनके पास हैं, 3 सीटों में राजनीति नहीं होती। जम्मू वालों ने उनको निकाल दिया, कश्मीर ने उनको निकाला। आज आपको एक अनोखी चीज दिखनी होगी आसर की, कि भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो सेम पेज पे है। क्या शालों के बीच में कौन सी डिप्लोमेसी, कौन सी याराना जो है नया, आप देखो एक दोनों ही बातें मिल रही हैं, दोनों एक ही बोली बोल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर की आवाम ने 5 अगस्त का फैसला कबूल नहीं किया है। नजमू दबाने वाली जो है धमकी आवाज आ रही है, ये बात मानते हैं आप ही। जब कहा था कि जब 3 सौ 33 से टूटेगा तो यहाँ खून की नदियाँ बहेंगी, उन्होंने कहा था तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, यहाँ तिरंगा भी उठाया गया और बिना किसी कैजुअलिटी के 3 सौ 33 को तोड़ा गया, लाल में जाके आपको जाद रहना चाहिए। झंडे उठाने के लिए लोगों को खड़ा करना पड़ता है। आप कैरावन की स्टोरी पढ़ लीजिए, यहाँ पे आर्मी को 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। लाल चौक में इस बार झंडा भी उठाया, झंडा उठाने के लिए दिवाली में मनाया भी लगाया। आपके स्कैम जनता पार्टी का वक्त जम्मू कश्मीर में खत्म होगा। हमने पाकिस्तान से बात आपके अपने दम पे करी और अपने मैंडेट पे की, अपने एजेंडा पे क्या हो गया, हम किसी की नहीं सुनने वाले की तरह भगोड़े नहीं लाएंगे। जिस तरह से लोगों के सामने लोगों को बरगलाने की कोशिश हो रही है, आज तो मुद्दों पर बात करने की जरूरत थी, लेकिन 370 पर आराम बार बार अलापा जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी अब अपना स्टैंड इस पर किस तरह से रखती है ये बड़ी बात रहेगी। नजमू जिस तरह से पीडीपी पार्टी की तरफ से यहाँ पर स्टैंड अपना क्लियर किया गया, लेकिन फिलहाल 2018 के अंदर जब सरकार आप लोगों की तरफ से इनके साथ बनाई गई, गठबंधन टूट गया, सारा ठीक रहा, यहाँ पर आप ही पर टूट रहा है कि आप ही ने गठबंधन किया और उसके बाद हालात इस तरह से हो गए। आज आपके सिर्फ और सिर्फ 3 लोग हैं विधानसभा सत्र के अंदर, और विधानसभा सत्र के अंदर 3 लोगों से आप लोग क्या कुछ कर लेंगे ये बड़ी बात है। लेकिन और भी कई तरह के सवाल रहेंगे, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। मटर तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार, और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। हर बुला पर हर बात में मेरी कैसे मेरी अपनी पटाखा पटाखा चाहे लज्जत का स्वाद। स्पॉन्सर्ड बाय गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। अब सवाल यहाँ पर ये है कि वापस लाएंगे कैसे। नजमी आप ही के पास आऊंगी, जवाब दीजिए, क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तो पहले ही कह रहे हैं कि 100 साल लग जाएंगे वापस आने के लिए। आप कह रहे हैं नहीं, रेजोल्यूशन लेकर आए हैं हम, इसको लेकर जद्दोजहद करेंगे।
हमारे पास मेंबर पार्लियामेंट, अगर मेंबर पार्लियामेंट हमारे पास होता पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी हम पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी प्राइवेट मेंबर्स बिल लाते। हमें एक चीज बता दीजिए, अगर ये इंडिया अलायंस में है, हमें ये इंडिया अलायंस समझ नहीं आ रही। इंडिया अलायंस में इनके पास 200 मेंबर है, अगर ये प्राइवेट मेंबर्स बिल पार्लियामेंट में टेबल करते हैं क्या 200 मेंबर उनको सपोर्ट नहीं करेंगे? अगर ये कांग्रेस के साथ इनका अलायंस है तो ये पहले क्यों मान रहे हैं कि कांग्रेस हमारा सपोर्ट नहीं कर रही है? कांग्रेस हमारा जो है सिर्फ सिर्फ अलायंस है। अगर कांग्रेस कश्मीरियों की सबसे बड़ी उम्मीद तो कांग्रेस के साथ है कि जनाब अगर कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरती है तो कांग्रेस की सरकार आएगी, फिर वो जो है 370 वापस दे देंगे। अगर वो आज इनको एक रेजोल्यूशन पे सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है तो कौन सा ये दोगला अलायंस है? हमें ये समझ में नहीं आ रही है। इनके कांग्रेस के साथ इन्होंने अलायंस किया, फिर इनको कैबिनेट में जब रेजोल्यूशन पास इसको बताया नहीं। कांग्रेस के चीफ बोलते हैं हमें जब रेजोल्यूशन पास बीजेपी के साथ मिलकर हमें काम करना है, ये स्ट्रैटेजी के तौर पर काम कैसे किया जा रहा है? कहीं क्वेश्चन मार्क है। देखिए एक दो चीजें मैं क्लियर कर दूं। इन्होंने कहा कि आज ये लोग बीजेपी के साथ मिलकर ये एजेंडा चला रहे हैं। मैं इनको एक जरूर बात करूं, आपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर में बीजेपी के साथ मिलकर मलाई चटनी खाने की वो खड़ा ली। आज आपको कश्मीर के युवाओं जिन लोगों को आप डिसगाइड करके उस वक्त पत्थरबाजी करवाते थे वो मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, वो लोग आज हिंदुस्तान का झंडा उठाकर बाहर निकले। इन्होंने कहा कि लोग आर्मी करोड़ों रुपया खर्च के हिंदुस्तान का झंडा उठा रहे। मैं इसे क्लियर करता हूँ कि आप हिंदुस्तान के झंडे को मानते हैं या नहीं, आप हिंदुस्तान का हिस्सा हो या नहीं। एक इन्होंने कहा कि आप तो आबो हवा पूरी ही बदली लग रही है, मुझे ये समझाइए सीओ को हटाने की बात हो रही है, पत्थरबाजों को जिस तरह से जेल में डाला गया था, कैदियों को छुड़ाने की बात आपकी तरफ से की गई, तो फिर आप किसकी दलील दे रहे थे? यहाँ ऐसी जवाब लेने दीजिए, जवाब दीजिए। आप देख रहे हैं जनाब, आज मैं आपको क्या बोल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी एक सेकंड जवाब लेने दीजिए, जवाब दीजिए। सुखेंद्र जी नेशनल कॉन्फ्रेंस हमें संवैधानिक तरीके से लड़ने की इजाजत देती है, ना हम गन से लड़ेंगे ना हम पत्थरबाजी से लेंगे। अपना जो 370 है हमें पता है, हमें उसे कानून के थ्रू कैसे लाना है जम्मू कश्मीर में। हम लोगों को डिस्काइज करके वोट आपको नहीं लगता है कि 370 को लेकर जिस तरह से आप लोग सब अपने अपने तरीके से बात कर रहे हैं, जब 32 मिनिस्ट्रियल स्टेप आपने ली है उस वक्त ही चीजें खत्म हो गई थी, फिर बरगलाने की कोशिश यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर की गई। अच्छा मैं आपको दो तीन चीजें जरूर याद करवा दूं। फारूक अब्दुल्ला के भी कहा था कि हमें अगर 200 साल भी लगे 370 को लड़ने के लाने के लिए तो हम लड़ेंगे इस जंग को। उन्होंने ये भी कहा था कि हम जमाई तुम्हारी सरकार बनेगी हम 370 उसी वक्त आ जाएगा। हमारा सबसे बड़ा मेन मुद्दा है कि जम्मू कश्मीर को उसका स्टेट रूट देना, उसकी पहचान देना। तो वही तो पूछ रहे हैं ना कि क्या जो पीडीपी अपना स्टैंड रख रही है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उसमें अपना समर्थन देती है या अपना स्टैंड रखती है कि उसी तरीके से काम करेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस? वही तो काम करने की बात हो रही है। हमने रेजोल्यूशन लाया है, आप में दम नहीं था रेजोल्यूशन लाने में, आप डर रहे थे बीजेपी से, हमने रेजोल्यूशन लाया है। वो अपने जो को मेरे दोनों पार्टियां जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टियां करेंगे कि नहीं, और बड़ी पार्टियां सिर्फ इतना बताइए हमें। एक के स्तर पर जिम्मा ये लगाया गया, आरोप ये लगाया गया कि 370 इन्हीं की वजह से गया, और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी बार बार इसी चीज को गिनाकर सत्ता में काबिज हो गई। अब यहाँ पर आपको क्या लगता है कि सिर्फ और सिर्फ अराग ही अलापा जा रहा है? लोगों के हित की बात होनी चाहिए थी, मुद्दों की बात होनी चाहिए थी। जब प्रेसिडेंशियल शिप को छोड़कर आप चीफ मिनिस्टर शिप लेते हैं तो उस वक्त आपने क्यों नहीं मना किया? उस वक्त आप उस पोस्ट को क्यों लेकर बैठ गए? और आज आप क्यों दोबारा से उन गले मुद्दों को उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए सीधी बात है कि भारतीय जनता पार्टी नेशनलिस्ट पार्टी है, देश हित की बात करती है, समाज की बात करती है, राष्ट्र हित की बात करती है। और इन लोगों को ये समझ आनी चाहिए कि 370-35 से जो है वो एक टेम्परेरी था, 28-28 था, उसको एक ना एक दिन खत्म होना ही था। हाँ ठीक है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जहाँ सरकारें गई अपने टाइम पे नहीं खत्म कर पाई, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने पहला मुद्दा यही था, उनका मैनिफेस्टो में भी था कि हम 370-35 को खत्म करेंगे, और वो खत्म किया। और खत्म करने के बाद यही रीजनल पार्टियां जो ये कहती थी कि यहाँ जम्मू कश्मीर में पता नहीं कौन सा बवाल आ जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी, जहाँ तिरंगा नहीं लाएगा, जहाँ
जीरा दे दिया जाएगा, जहाँ खून खराबा होगा, जहाँ मिलिटेंसी बढ़ जाएगी, इन सबको पूछ लो कि जहाँ ना तो मिलिटेंसी बढ़ी, ना ही कोई खून खराबा हुआ, ना ही तिरंगे को किसने जलाया, और ना ही जहाँ पत्थरवाल हिस्ट्री बनाने की बात हो रही थी कि हाँ ठीक है लिखा जाएगा कि पीडीपी पार्टी ने विधानसभा के सत्र के अंदर सबसे पहले प्रस्ताव को पेश किया गया था पार्टी की तरफ से। उजागर करने के लिए, लेकिन सही बात है, सफाई जी भी सही कह रहे हैं, तीन नंबर से क्या कर लेंगे, जनाब लोगों के हित की पार्टी नहीं है, उसके बाद कहीं ना कहीं सवाल प्रमोद जी, अदरवाइज किसी की बात नहीं, क्योंकि प्रमोद जी ने बात की कि 370 टेम्पोरेरी था, अगर ये आगे वाली बात नहीं बोल रहे कि टेम्पोरेरी था क्यों, टेम्पोरेरी इसलिए था बिकॉज इट वॉज पेंडिंग प्लेबिसाइड, क्योंकि हमें उसमें नहीं जाना है, ये वो एक कॉन्स्टिट्यूशन लड़ाई है, हम इसे उन बातों में जाना ही नहीं है, बट एक चीज मुझे बताइए प्रमोद जी, आपके टाइम से जब जो है जम्मू कश्मीर में आप बोल रहे हैं कि हालात ठीक हुए, क्या आप रजौरी जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, पुंछ जम्मू कश्मीर का हिस्सा है? बिल्कुल है, जो अभी अटैक बिल्कुल के 60 जवान जो है, पुलिस 60 जवान 90s के भी दशा में आर्मी के इतने जवान जो है वो मारे नहीं गए जा रहे हैं, इतने ग्रेनेड्स, इतने अटैक हार्ट ऑफ द सिटी में, हर जगह पे खौफो हिरासा का माहौल है, आप बोल रहे हैं शांति है, हमें तो नहीं समझ आ रहा है, सिर्फ नए तो आप मुझे बताइए 2024 तक बिल्कुल पत्थरबाज आपको दिखा कोई, आपको मिलिटेंट कोई ऐसे आपकी तरह जैसे तो बांडीपोरा में जो इतना ब्रिज अटैक, और अब उसके बाद हमने मिलिटेंसी को बख्शा नहीं, प्रमोद जी वो मोर्च में कोई बड़ा नहीं है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादी घटनाएं कम हुई है, खत्म नहीं हुई है, कुछ कुछ घटनाएं हो रही हैं, लेकिन उस पर काम चल रहा है, पहले से आंकड़ा आज बहुत बेहतर है, कार्रवाई हो रही है, इस पर हमें आज बात अगर होती है तो सोचनी चाहिए और बोलना भी चाहिए, सुखेंद्र जी भी मिलिटेंट जो है वो ठीक है, प्रमोद जी हो गया, सुखेंद्र जी जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं कि पीडीपी पार्टी कह रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, स्टैंड क्लियर कीजिए, जैसे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमारा मैनिफेस्टो, हमने मैनिफेस्टो में सबसे टॉप पे जो 370 रखा हुआ, हम उसे संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे, ना ही कैमरा के सामने एक ड्रामा करके उसके सामने लड़ना, लोगों को आप रेवोल्यूशन को सपोर्ट करेंगे या नहीं इतना बता दीजिए, आप कश्मीर से एक चीज मेरी भाई जान सुन लीजिए, हम कश्मीर से राजद पार्टी बढ़ते हैं, अगर उनके पास अगर ऐसे आंकड़े होते तो आज ये मैं सिर्फ इस वक्त पार्लियामेंट हमारी, लेकिन उमर अब्दुल्ला तो कह रहे थे कि अगर इस तरह का प्रस्ताव था, हमें पहले ही पता चल रहा था कि इस तरह का प्रस्ताव पेश होने वाला है, लेकिन हमसे बात होनी चाहिए कि इसका क्या मतलब होता है, असेंबली में इतना बड़ा मैंडेट आपके पास है, यहाँ आप रेजोल्यूशन नहीं ला रहे, तो जनाब आप लाएंगे क्या नवाई सुबह में, आप नवाई सुबह में रेजोल्यूशन लाएंगे क्या, आप मैं अपने भाईजान को बता दूं कि हम लाएंगे और उसके ऊपर काम भी करेंगे, आपकी तरह से 30 दिन तो कब लाएंगे जनाब, हम तो वेट कर रहे हैं जनाब, कब आएंगे कैबिनेट में सबसे पहला ऑर्डर, आप अभी बात चोरी की रात में अडेरी में आज है कैबिनेट में बात हो रही, जो आपने बोल रहे थे उमर हाउस को ये पकड़े की हमें बोला नहीं, करने के लिए सुखेंद्र जी आपका भी धन्यवाद, कपाही जी आपका भी धन्यवाद, तो फिलहाल विधानसभा के सत्र में आज जिस तरह से हंगामा हुआ
नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी पीडीपी आमने सामने आ गई है। भारतीय जनता पार्टी अब आप देखिए केंद्र के अंदर है, एनडीए सरकार किस तरह से अब चलेगा ये बड़ी बात रहेगी, क्योंकि आज पहला दिन था और पहला दिन ही हंगामेदार रहा और जिसमें 370 का राग अलापने की कोशिश हुई। आप देखते रहेगा